सर इंजन में कुछ खराबी है। तो पाली नगर वापस ले लो। नहीं सर, यही सनातनपुर में उतरना पड़ेगा। वो क्यों? पाली नगर तक जाने में एक्सीडेंट हो सकता है सर। ठीक है, यही उतरो। लेकिन यहाँ भी दुश्मन है सर। तो भाई एक्सीडेंट में मरने से तो अच्छा है दुश्मन का सामना ही कर ले। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग है सर। तुम यही उतरो। ओके सर। भैया तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह? और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे ना रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। समझ गया। आ तो दिखा अपनी उड़ान अब। जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम कहे शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। साफ के जहर के हाथों तेरी मौत ना होने की राजेश्वर। जहां पे तू खड़ा है ना राजेश्वर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती हैं, निहत्ते आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए के शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं।
और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था, और ये तबाही हो कर ही रहेगी। जा रहा है, तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। देखो अमला, दादाजी ने घर के चारों तरफ पहरे और बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा वक्त और दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर। वासु, पापा ने मेरा हवेली से बाहर आना जाना बंद कर दिया है, अब मैं शायद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। बारूद फटकर धरती को चीर सकती है राधा, लेकिन तालाब में खिलने वाला फूल तो खिलता ही है। लोग अच्छा बोल लेते हैं आप। एक्शन भी अच्छा कर लेता हूँ। रियली? लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे वासु? इसका तरीका ढूंढ लाया हूँ मैं। तरीका? ये तीन रंग के गुब्बारे हैं ना? हाँ? अगर तुमने लाल रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मैं समझूंगा ठहरो खतरा है। अच्छा, और अगर मैंने ये पीले रंग का गुब्बारा उड़ाया तो? पीले रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मतलब याद आ रही है इलू इलू। और अगर ये हरे रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मतलब आ जाओ, और फौरन एक पंछी बनकर आ जाऊंगा तुम्हारी हवेली में। वाह मेरे प्रेम के पंछी, 50 बंदूकें तैनात हैं हमारी हवेली के आसपास। बुला कर तो देखिए बंदूकें चलती हैं या आशिक का जादू। चैलेंज? चैलेंज, अगर इस सौदे में मैं जीत गया तो फिर क्या दोगी? ना बाबा, मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं करना जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। मैं राजेश्वर से मिलने उसके घर गया था तो पता चला कि सब लोग राजा महेंद्र के साथ समस्तीपुर गए शिकार खेलने। हाँ, शिकार का शौक तो उसे बचपन से है। मानधारी, तुम तो उनके बचपन के दोस्त हो, उनको कोई रोशनी दिखाओ ना यार। कर्नल साहब, जो घर बरसों से अंधेरों में बंद रहा हो उन्हें बाहर की रोशनी किस काम की? उसका अंधेरा तो उस घर का कोई दीपक ही दूर कर सकता है। ऐसा दीपक उस घर में कोई नहीं। जिस दिन होगा ना, शिव कसम मंधारी उस दिन एक टांग पर नाचेगा कर्नल साहब, एक टांग पर। दारा, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अंदर जाओ। ए दुश्मनी जानलेवा है बछड़े, और तू सनातनपुर की लड़की से छुप छुप के मिलने जावे, ए बात कहीं जीजा जी को पता लग गई तो वो। कौन सी बात चुनिया बाबू? कुछ बात नहीं जीजा जी, मैं समझा रहा था। मैं इसे बोल रहा था कि सनातनपुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना। बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं, उसका जहर भी पी सकते हैं, लेकिन सनातनपुर का पानी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे बेटे। ये है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके हैं। अगर तुम दोनों की मोहब्बत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। अगर ये किनारे हमारी मोहब्बत की गंगा को रोकने की कोशिश करेंगे मंधारी काका, तो फिर ये गंगा भी बाढ़ बनकर इन किनारों को तोड़ देगी और फिर एक सैलाब आएगा। नहीं मंधारी काका, मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खुशी के लिए आप भी सब गम भुला सकते हैं। हम उन दोनों को फिर से दोस्त बना देंगे, है ना? हाँ मंधारी काका। सुन लिया प्रभु, सुना तुमने? अब परीक्षा तेरी है दोस्त, मेरी नहीं। मुझे तो बस ये देखना है कि तू इनकी मोहब्बत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदी। हमारे बच्चे ने जन्म ले लिया है कुणाल, बाबा बच्चे को लेके दादा भीर के पास गए हैं, तुम जल्दी आओ, तुम्हारे इंतजार में अमला। ये नहीं हो सकता, ये लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ बेटा,
भोला राम, राधा है तो कहना कि मैं शहर चला गया, दो तीन दिन में लौटूंगा या फिर फोन करूंगा। ठीक है,